हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू अगेन टू माय चैनल दैट इज़ माँ पद्मिनी डेंटल ब्लॉग्स एंड विथ कोलैबोरेशन विथ हेमा डेंटल ब्लॉग्स। तो आप सभी को दोस्तों स्वागत है माँ पद्मिनी डेंटल ब्लॉग्स में, और मैं आपका डेंटल एडवाइज़र एंड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर आतिश कुमार पांडे, डेंटल एंटरप्रेन्योर प्रैक्टिसिंग इन ओडिशा फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स स्वागत करता हूँ। और ऑलरेडी डॉक्टर नीतीश ने आपको कुछ सर्विसेज, जैसे कि आज का टॉपिक है डेंटल क्लिनिक सर्विसेज के बारे में, तो कुछ टॉपिक्स के बारे में कवर अप कर ही लिया होगा। तो मैं आपको आगे लेते हुए बाकी सारे सर्विसेज के बारे में एक के बाद एक बताता हूँ। तो अब तक डॉक्टर नीतीश ने अब तक जितने भी टॉपिक्स बताए हैं उनमें से डेंटल चेकअप, डेंटल एक्सरे, डेंटल ओरल हाइजीन, डेंचर्स, डेंटल क्राउन्स एंड ब्रिजेस, कॉस्मेटिक डेंटल रेस्टोरेटिव फिलिंग्स, डेंटल स्केलिंग एंड पॉलिशिंग और डेंटल एक्सट्रैक्शंस के बारे में बताया होगा। तो मैं बाकी सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आप एक काम कीजिए, आपने अगर हमारा चैनल हेमा डेंटल ब्लॉग और माँ पद्मिनी डेंटल ब्लॉग को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ बेल बटन को जाके वहाँ क्लिक कीजिए ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लाइक कीजिए और इस वीडियो को वॉच भी कीजिए, अगर हो सके तो शेयर भी कीजिए अगर आपको कोई भी पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज डेंटल क्लिनिक सर्विसेज। तो पहला सर्विस फ्रॉम माय साइड मैं जो बोल रहा हूँ, बाकी सारे तो कवर अप कर लिया है डॉक्टर नीतीश ने, पेरिओडोंटल गम सर्जरी। तो पेरिओडोंटल गम सर्जरी क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई भी हमारे जो गम्स होते हैं पेरिओडोंटल सर्जरी उसको बोला जाता है, अगर कोई भी डिफेक्ट होता है उसमें, जैसे कि डेंटिस्ट, जितने भी डेंटिस्ट ये वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा, तो जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं उसको फिल किया जाता है, या फिर कोई भी अगर गम रिसीड कर गया है या फिर नीचे आ गया है तो उसको अगर हम लोग उसको सेम लेवल पे लाना चाहेंगे या फिर कोई फ्लैप सर्जरी करना चाहेंगे उस सर्विस को बोलते हैं पेरिओडोंटल गम सर्जरी, जो कि हमारा डेंटिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। उसके साथ दोस्तों ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी शामिल है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का मतलब है जो ब्रेसेस लगाया जाता है यंग लोगों में स्माइल डिजाइनिंग करने के लिए, और ब्रेसेस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मेटल ब्रेसेस होते हैं, सेरामिक ब्रेसेस होते हैं। तो ब्रेसेस लगा के लोगों का जो स्माइल डिजाइनिंग जो किया जाता है उसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोला जाता है। फिर है दोस्तों डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट्स किनको बोलेंगे दोस्तों, जैसे कि अगर कोई गैप है या फिर किसी के दांत नहीं है तो जो परमानेंट टाइप का ट्रीटमेंट है वो फिक्स्ड प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, या फिर डेंटल इम्प्लांट्स आजकल का ट्रेंड है एंड इट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री। तो दोस्तों डेंटल इम्प्लांट्स को लगाया जाता है, जैसे कि मैं आपको बेटर होगा यही बता दूं यहाँ पे, जैसे कि आप ये मॉडल में देख सकते हैं फ्रंट टीथ यहाँ पे अगर नहीं है, जैसे कि ये एक फ्रंट टीथ नहीं है तो यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट्स लगाया जा सकता है ऐसे। और डेंटल इम्प्लांट्स बोन में लगाने के बाद हम लोग उसको 3 से 6 महीने छोड़ने के बाद उसका इम्प्रेशन लेते हुए उसके बाद उसके ऊपर हम लोग क्राउन दे सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डेंटल इम्प्लांट्स। देन वी हैव विजडम टीथ सर्जरी। तो विजडम टीथ सर्जरी किसे बोलते हैं दोस्तों, विजडम टीथ सर्जरी उसे बोलते हैं, विजडम टीथ जो कि आता है थर्ड मोलर बोला जाता है उसको, और जो कि 18 to 25 एज के अंदर निकलता है बोन में। तो उसको निकलने के टाइम पेन बहुत होता है क्योंकि इट इज़ ए वेस्टिजियल ऑर्गन और उस ऑर्गन का कोई भी काम नहीं होता, तो उसका सर्जरी भी किया जाता है हमारे डेंटल क्लिनिक्स में, दैट इज़ कॉल्ड विजडम टीथ सर्जरी। एंड देन वी हैव पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का मतलब है दोस्तों जो बच्चों का जो डेंटिस्ट्री किया जाता है वो सर्विसेज जितने भी होते हैं उनको पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री बोला जाता है। जेरियाट्रिक डेंटिस्ट्री, जेरियाट्रिक डेंटिस्ट्री का मतलब जितने भी ओल्ड एज में कैंसर होता है लोगों को, या फिर ओल्ड एज में ओरल कैंसर हो या फिर ओल्ड एज का कोई भी ट्रीटमेंट हो या फिर डेंचर्स लगाया जाए उसको जेरियाट्रिक डेंटिस्ट्री बोला जाता है। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। देन दोस्तों नेक्स्ट इज डेंटल वीनियर्स। तो डेंटल वीनियर्स दोस्तों इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्माइल डिजाइनिंग। स्माइल डिजाइनिंग किया जाता है डेंटल वीनियर्स के साथ ही, और उसमें जैसे कि क्राउन्स में और वीनियर्स में ये डिफरेंस रहता है कि वीनियर 0.5 या 0.6 mm का रहता है जबकि क्राउन्स बड़े रहते हैं, और क्राउन्स का डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वीनियर्स को भी वैसे एंटीरियरली लगाया जाता है। और वैसे ही दोस्तों आजकल का नया सर्विस जो कि निकला है डेंटल सर्विसेज में, दैट इज इनविजिलाइनर्स। इनविजिलाइनर्स दोस्तों वो चीज़ है जैसे कि आजकल ब्रेसेस लगाने में लोगों को दिक्कत होती है,
लोग ये बताना नहीं चाहते कि वो लोग स्माइल डिजाइनिंग करवा रहे हैं किसी भी डेंटिस्ट से, तो आजकल इनविजिलाइनर्स आ गए हैं, उनका इम्प्रेशन लेके कंपनीज इनविजिलाइनर्स भेजते हैं ताकि उसमें से आप अच्छे से स्माइल करने पाएँ और लोगों को पता भी ना चले। तो आजकल बहुत सारे कंपनीज भी आ गए हैं, आप देख सकते हैं वो सबको, तो इसको बोलते हैं इनविजिलाइनर्स और स्माइल डिजाइनिंग किया जाता है इनविजिलाइनर्स के साथ। तो दोस्तों उसके बाद है दोस्तों बहुत ही वाइटल सर्विस है, दैट इज़ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब भी पेन होता है हमको, अगर दांत को निकलवाना नहीं है तो हम लोग दांत को बचा सकते हैं बाय डूइंग द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। देन दोस्तों फुल माउथ रिहेबिलिटेशन केसेस। फुल माउथ रिहेबिलिटेशन केसेस का मतलब ये है दोस्तों कि अगर किसी का बाइट कोलैप्स हो चुका है या फिर किसी के दांत एट्रीटेड यानी कि घिस चुके हैं, दांत घिस चुके हैं, वो अपना पूरा माउथ को रिहेबिलिटेट करना चाहता है वो पर्सन, तो उसको फुल माउथ रिहेबिलिटेशन बोलते हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारे रूट कैनल्स भी होते हैं, इम्प्लांट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं और उसको अच्छे से स्माइल डिजाइनिंग भी किया जाता है, इसको बोलते हैं फुल माउथ रिहेबिलिटेशन। इससे लोगों को बहुत सारा दिक्कतों से खाने पीने में जो दिक्कत आती रहती है उससे बहुत सारा छुटकारा भी मिलता है और उनको अच्छा खासा सर्विस भी मिलता है इससे। देन वी कम टू डेंटल फार्मेसी। अभी डेंटल फार्मेसी का मतलब ये है कि जो डेंटिस्ट्री में जितने सारे मेडिसिन यूज हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, अगर एक डेंटल फार्मेसी रखा जाए हर क्लिनिक में तो पेशेंट्स को आराम से वो मेडिसिन मिल सकते हैं उस क्लिनिक से, दैट इज़ कॉल्ड डेंटल फार्मेसी। देन वी हैव डेंटल एजुकेशन। डेंटल एजुकेशन का मतलब है कि जैसे कि कोई एक पर्सन आता है आपके आपके क्लिनिक में, वो आपका अगर इंटरव्यू ले रहा है या आप कहीं भी कोई भी एड्रेस कर रहे हैं अपने क्लिनिक के थ्रू से कहीं भी, या आपका यूट्यूब चैनल है या फिर कोई भी कैंप डेंटल कैंप्स कर रहे हैं, वहाँ आप एजुकेशन बता रहे हैं लोगों को, डेंटल एजुकेशन, डेंटल अवेयरनेस के बारे में बता रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेंटल एजुकेशन। तो इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द डेंटल क्लिनिक सर्विसेज। देन दोस्तों माइनर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी प्रोसीजर्स। जैसे कि माइनर ओरल सर्जिकल प्रोसीजर्स कौन सा है, जैसे कि टंग टाई होता है या फिर कोई भी छोटा मोटा लेजर का सर्जरी होता है, तो ये सारे माइनर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज भी किए जाते हैं डेंटल क्लिनिक में या फिर ओटी में यानी कि ऑपरेशन थिएटर में। और वो कौन करते हैं, मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स करते हैं जिनको कि बीडीएस पढ़ना पड़ता है, उसके बाद उन लोग एमडीएस करते हैं 3 साल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में। क्लैप्ट लिप एंड पैलेट सर्जरी यानी कि जो ग्रहण ओडिया में उसको ग्रहण खंडिया बोलते हैं, लेकिन उसको क्लैप्ट लिप एंड पैलेट यानी कि क्लैप्ट लिप एंड पैलेट जो अपर लिप और लोअर लिप का जो ना मिलना प्रॉपरली, बच्चों का जो बच्चे जो जन्म होते हैं और उनका मिलन नहीं होता है सही से, उनका लिप्स मिलन नहीं होता है ड्यू टू सब डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस, दैट इज कॉल्ड क्लैप्ट लिप एंड पैलेट सर्जरी, तो वो बच्चों में किया जाता है, दैट इज ऑल्सो डन बाय मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स। ट्रॉमा एंड फ्रैक्चर केसेस। ट्रॉमा एंड फ्रैक्चर केसेस मतलब अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है दोस्तों या फिर किसी को ट्रॉमा लगा है और जॉ बोन्स अगर टूट गए हैं तो उस केस में भी सर्जरी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉमा एंड फ्रैक्चर केसेस। देन वी हैव फेशियल एस्थेटिक्स। फेशियल एस्थेटिक्स का मतलब जो आजकल फेशियल बहुत सारे जो माइनर सर्जरीज तो नहीं बोलूँगा दोस्तों, लेकिन फेशियल ट्रीटमेंट किया जाता है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, कॉस्मेटोलॉजी में जो पार्ट है, तो इनकेस ऑफ दैट अगर किसी का केमिकल पील्स दिया जाता है किसी को या लिप फिलर्स दिया जाता है किसी को या फिर वैम्पायर फेस लिफ्ट किया जाता है किसी का, तो या फिर क्रो हेड जो किया जाता है, बहुत सारे छोटे मोटे प्रोसीजर्स हैं, तो वो सब भी एक डेंटिस्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड फेशियल एस्थेटिक्स। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट भी एक डेंटिस्ट चाहे तो कर सकता है, लेकिन ही और सी हैज़ टू बी ट्रेंड टू मच टू डू द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, एंड दैट इज ऑल्सो वेल डन इन द डेंटल क्लिनिक सर्विसेज, दैट इज ऑल्सो वेल प्रोवाइडेड इन द डेंटल क्लिनिक सर्विसेज। तो होप दोस्तों आपको हमारा YouTube चैनल और ये जो वीडियो हमने बनाया है ये आपको कुछ वैल्यू ऐड करने पाया होगा, ये जो वीडियो मैंने जो बनाया है और डॉक्टर नीतीश ने मिलके जो ये वीडियो बनाया है डेंटल क्लिनिक के सर्विसेज के बारे में टू अवेयर द पीपल ऑल ओवर इंडिया, वो आपको थोड़ा बहुत काम आया होगा दोस्तों। तो होप वी कुड ऐड सम वैल्यू इन योर लाइफ एंड आप जल्द से जल्द ये वीडियो को वॉच करें और हमारे दोनों चैनल को यानी कि डॉक्टर आतिश ब्लॉग हेमा डेंटल ब्लॉग्स एंड माँ पद्मिनी डेंटल ब्लॉग्स दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो,
लाइक कीजिए वीडियोस को, और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी ये सारे डेंटल सर्विसेज के बारे में पता चले। आगे चल के हम लोग और भी सारे बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस आगे मिलके लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट एंड ब्लेस्ड डे अहेड। थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर आतिश कुमार पांडे फ्रॉम माँ पद्मिनी डेंटल केयर ओडिशा साइनिंग आउट।